स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में हम SHM लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, इसके लिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है तो वो आपको प्रूव कराया था। वेलोसिटी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी फार्मूला होता है, और हमने पार्टिकल की पोजीशन यानी कितने डिस्टेंस पर है तो वो डिस्टेंस का फार्मूला एक्स इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू टी, ये फार्मूला हमने प्रूव किया। इसके बाद टाइम पीरियड सिंबल कैपिटल टी फॉर्मूला 2π अपॉन अंडर रूट म्यू, एंड फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t, टी की वैल्यू हम यहाँ लिखें तो होगा अंडर रूट म्यू अपॉन 2π। ये फॉर्मूले हमने प्रूफ किए थे, इनको हमें याद भी रखना है। देखिए, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्स वन बाई सिक्स्थ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम displacement at 1 in which the displacement is half the amplitude। देखिए, क्वेश्चन क्या है ये हम यहां समझते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरियड। नहीं, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पार्टिकल की टाइम पीरियड का 1/6 टाइम में पार्टिकल मूव करेगा। पोजीशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से हाफ डिस्प्लेसमेंट यानी कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, हाफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का हाफ कितने टाइम में, 1/6 टाइम। तो देखिए, गिवन
हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट है एक्स इज इक्वल टू ए वाई टू। ए इज एम्पलीट्यूड जिसको हम आयाम कहते हैं हिंदी में, जैसे कि बताया था हमने ओ फिक्स्ड पॉइंट, ए पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से ए डैश तक जाएगा। तो इन्होंने जो कहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको हम यहाँ से स्टार्ट हुए ये ए, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसकी हाफ डिस्टेंस यानी कि ए वाई टू डिस्टेंस पार्टिकल कितने टाइम में तय करेगा, वो ये टाइम एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास ए अपॉन टू। हमें टाइम निकालना है तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, वी है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी, इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन। टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एक्स के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं ए वाई टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी इम्प्लाइज दैट इसे ए कैंसिल, यानी कि ये हुआ वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये देखना है कॉस के लिए ये कितने एंगल पर होता है, वन पॉइंट टू कितने पर होता है, 1.2 वैल्यू 60 पर होती है, यानी कि पाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू टी। टी इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री अंडर रूट म्यू टू से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो सॉरी ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ 2 पाई अंडर रूट म्यू 1/6। देखिए ये 6 लिख लिया तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 पाई। ये फार्मूला टाइम पीरियड का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं टी के लिए फार्मूला। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखते हैं टी, यही हमें प्रूव करना है टी बाई 6। यही कहा था क्वेश्चन में 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरियड प्रूव। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है द स्पीड वी ऑफ द पॉइंट which moves in a line given by relation v square is equal to a plus 2bx minus cx square where x is distance और इन्होंने कहा है शो दैट मोशन इज SHM and determine time period.
हमें एक तो मोशन प्रूफ करना है इसका, हमें मोशन प्रूफ करना है इसका कैसा चैन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड डिटरमाइन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हमारे लिए रिलेशन दिया हुआ है ए प्लस टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशियल कर दें डब्ल्यू आर टू, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा टू बी डी बी अपॉन डी एक्स, ए का डिफरेंशियल जीरो, टू बी एक्स का टू बी और माइनस टू सी एक्स। ठीक है, हम क्या करें इसमें से कॉमन ले लें, माइनस का टू सी और एक सेकेंड बाद में लेते हैं कॉमन, टू कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा वी डी बी अपॉन डी एक्स वी माइनस सी एक्स। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये भी हम इसमें से कॉमन ले लें माइनस का सी, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वी अपॉन सी, और इसको हम वाई लिखते हैं माइनस सी वाई, एक्स माइनस वी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन जो है वो शो करती है, यहाँ से लिख देते हैं इक्वेशन टू शो दैट मोशन इज एस एच एम, क्योंकि इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बताया गया है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ वाई है, और अगर हम कंपेयर करें तो म्यू की वैल्यू सी है हेयर, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स, चूँकि एक्स के प्लेस पर वाई है तो सी जो है कितना हो गया म्यू, टाइम पीरियड का फार्मूला टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, टू पाई अपॉन अंडर रूट सी, वैल्यू लिख दी